अस्सलाम वालेकुम अम्मीज किचन में मैं अरसला आपको वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अम्मी खैरियत से हैं, आप सबकी दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया मिस किचन को इतना पसंद करने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए और रेसिपीज़ को ट्राई करने के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहिए, आगे और भी अम्मीज किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनने वाली हैं। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी जो है माश की भुनी हुई दाल बनाने जा रहे हैं। वीवर आप लोग इंग्रेडिएंट नोट कर लीजिए। भुनी हुई माश की दाल बनाने के लिए हमने आधा किलो दाल ली है माश की। इसको 4 से 5 घंटे धोकर भिगो दिया था, भिगोई हुई है ये दाल। इसमें ये हम मसाले जाएंगे, ये जो है मिर्चें हैं, तकरीबन 10 से 12 मिर्चें हैं, साबुत लाल मिर्च। उनको हमने जो है इस तरह से जो है कैची से जो है ना हमने इसको बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है। और ये 1/2 टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें हैं, ये 10 से 12 जो है छोटी मिर्चें हैं साबुत, और ये 2 बड़ी मिर्चें हैं उनको काट लिया है। ये 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टुकड़े जो है दालचीनी के हैं, ये 4 लौंगे हैं, 2 जो है तेज़पत्ते के लीव हैं, और ये गार्निशिंग के लिए कुछ हरा मसाला जाएगा। चलिए व्यूअर्स, तो हम चढ़ा देते हैं दाल को। ये हम दाल को जो है बॉयल करने के लिए रख रहे हैं। बस इसको जो है पानी डालकर एक बॉयल निकालेंगे ताकि इसके जो झाग हैं वो निकल जाएं, और फिर हम ये बाकी के सारे मसाले ऐड करेंगे। ये दाल को हम भिगो 2 कप पानी हमने इसके अंदर डाला है। इसको जो है बॉयल करते हैं अभी ताकि इसमें ये झाग आ जाएं, फिर वो निकाल कर फिर बाकी के मसाले हम इसके साथ ऐड कर देंगे। देखिए व्यूअर्स, ये झाग आ गए हैं, इसको हम निकाल रहे हैं, इसको साफ करके और अब मसाले डालेंगे। और अब ये सारे मसाले इसके अंदर डाल रहे हैं, और 1.5 टेबल स्पून हम नमक इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। आधा से थोड़ा सा ज़्यादा घंटा लगेगा इसको जो है पकने में दाल को। अभी हम इसको ढक देते हैं, सब चीज़ें डाल दी हैं हमने, इसको ढक देते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये आधे से 1.5 घंटा लगा है। देखें कितने अच्छे से ये गल गई, इसको देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से पूरी एकदम गल चुकी है ये दाल, और देखें बिल्कुल सारे दाने इसके अलग अलग हैं, और देखें कितने अच्छे से ये पक चुकी है मज़ेदार सी माश की दाल भुनी हुई। दूसरी तरफ ये हम भगार जो है के लिए हमने ये 2 प्याज ली हैं, और ये साबुत लाल मिर्चें ली हैं, छोटी 2 प्याज ली है। और अब ये ऊपर से इसके अंदर जो है हरा मसाला डाल रहे हैं गार्निशिंग के लिए। ये हरा धनिया डाला है, अदरक डाली है स्लाइस हुई हुई, और ये कुछ हरी मिर्चें। देखिए विवाद, ये भगार जो है हो चुका है, अब हम इसको इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, और देखें कितनी अच्छी सी ये हमारी मज़ेदार सी जो है भुनी हुई माश की दाल डन हो चुकी है। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी ये रेसिपी। सिंपल सी है और बहुत ही मज़ेदार सी ये दाल की रेसिपी। ट्राई कीजिएगा, सारे इंग्रेडिएंट आप लोग के किचन में अवेलेबल हैं। और बस अब इसको डिश आउट कर रहे हैं। देखें कितने अच्छे से गल गई है, और सारे दाने जो हैं अलग अलग हैं दाल के। देखिए विवाज, ये डन हो गई मज़ेदार सी भुनी हुई माश की दाल। देखें कितनी मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है, और देखें कितने अच्छे से ये पक गई है, और जो है सारे दाने दाल के देखें अलग अलग हैं। और हमने इसको जो है सैलेड के साथ सर्व किया है। ये एक प्याज है, और इसमें एक टमाटर और थोड़ा सारा धनिया से हमने ये सलाद बनाया है। और देखें कितनी मज़ेदार सी ये दाल डन हो गई है माश की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी मज़ेदार सी माश की दाल की रेसिपी। आप लोग ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। और अगर अभी तक आप लोगों ने अम्मीज़ किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अम्मीज़ किचन को, ताकि मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। कल फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिस किचन की रेसिपीज़ को ट्राई करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।